यार यही चीज़ें खराब लगती है मेरे को ना मैरिज लोगों की। एम्प्लॉय बेचारा छुट्टी पे, उसे छुट्टी का मजा लेने दो, नहीं लेकिन फोन करके जरूर परेशान करना है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? तो सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 जनवरी है और आज से हमारी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चालू होने वाली है विंटर बल्क की, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा बहुत लीन बल्क कर पाए, पिछली बार की तरह गंदा बल्क ना हो जाए। तो अभी जो हमारी रिसेंट में एक ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हुई है, उसमें हमने 19 kg वेट लॉस किया है, जिसको हमने मोस्टली शॉर्ट्स में कवर किया था। तो आप वहाँ पर जाके हमारे चैनल में शॉर्ट्स वो सारी देख सकते हो। और आज से जो ट्रांसफॉर्मेशन चालू होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि लीन बल्क करने की, बाकी देखते हैं अभी। और अभी तो फिलहाल वक्त हो चला है एक मॉर्निंग के वर्कआउट का, जिसमें हम आज करेंगे बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट घर पे ही, क्योंकि आज ऑफिस की छुट्टी है और फिर जिम भी हमारा ऑफिस के पास ही है और यहाँ से बहुत दूर है हमारा ऑफिस, तो फिजिबल नहीं है जाना कि यहाँ से पहले जिम जाए इतनी दूर 20 किलोमीटर दूर और उसके बाद फिर वहाँ जाके वर्कआउट करें। यूजली मैं कर लेता हूँ जिम में जाके वर्कआउट नॉर्मली सैटरडे को, लेकिन आज थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था, आज घर पे ही बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं और शुरू करते हैं आज का बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट। तो वही जल्दी से अपना वर्कआउट चालू कर देते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से, जो 5-7 मिनट का वार्म अप करेंगे। उसके बाद जब भी मैं अपना होम वर्कआउट चालू करता हूँ, जैसे आज मेरे को बैक और बाइसेप्स का वर्कआउट करना है, तो मैं उसे सिंपल रखता हूँ। जैसे मैंने अभी बैक की करी है 3 एक्सरसाइजेस चूज़ और बाइसेप्स की भी 3 एक्सरसाइज चूज़ करी है, तो ये आराम से 1.25 घंटे में दोनों चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद अपन लोग अपनी लेंगे डाइट। डाइट में हम क्या क्या लेंगे वो भी आपको आगे आगे चल के बताएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी जल्दी जल्दी आपके सामने नई नई वीडियोस लेके आता रहूं। वार्म अप तो हो गया गाइस, अब मैंने वार्म अप में खाली 10 मिनट वार्म अप किया है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिम्स में जाके 15 से 20-25 मिनट का वार्म अप करते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर से इंटरमीडिएट हो या फिर एडवांस भी हो, तब भी आपके लिए 15 मिनट का वार्म अप सफिशिएंट होता है। तो वर्कआउट से पहले अगर आप बहुत ज़्यादा समय मशीन्स पे बिता रहे हो वार्म अप करने के लिए, तो आप बिना बात में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मैंने वार्म अप में अभी खाली 2 ही एक्सरसाइज की है, एक कैट एंड कैमल की है और एक जंपिंग जैक्स की है, उसके हमने 4-4 सेट किया है बिना रुके। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना मेन वर्कआउट। सबसे पहले एक्सरसाइज मैं करूँगा डंबल बेंड ओवर, क्योंकि हमारे पास अभी ज़्यादा वेट्स नहीं है, 10 का ही हमारे पास डंबल मैक्सिमम है, तो 5 सेट कम से कम करेंगे मिनिमम और 25 से 30 रेपिटेशन का टारगेट रखेंगे। अच्छा, आपने ना आजकल ऐसे ट्रेनर बतेरे देखे होंगे कि जो ऑनलाइन आके बकवास करते हैं कि बैंड ओवर नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सेफ नहीं है। देखो, बहुत पुराना चावल हूँ मैं जिम इंडस्ट्री में, और रिसेंटली ये जो नए नए बच्चे अभी आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बैंड ओवर एक सेफ एक्सरसाइज नहीं है। देखो, बैंड ओवर एक इंटरमीडिएट एक्सरसाइज है, तो बिगिनर के लिए थोड़ा सा पोजीशन बनाना थोड़ा सा ना मुश्किल होता है उसमें। तो जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे ना जिम में, वैसे वैसे आप इस एक्सरसाइज को बहुत इफेक्टिवली कर पाओगे, और ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी लैट्स को ट्रेन करने के लिए। भाइयों, डंबल बेंड ओवर रोइंग तो हो गई, मैंने आपसे बोला था 4 से 5 सेट करेंगे वर्किंग सेट करके, लेकिन जो जो उसमें हमने कर दिए इसके 6 से 7 सेट। तो अब वक्त हो चला है अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज का, जिसका नाम है वन आर्म डंबल रोइंग। इसके भी अपन लोग 5 से 6 सेट ही करेंगे। मेन रीज़न यही है कि इसमें हमारे पास वेट्स नहीं है। देखो, जब आप जिम में जाते हो तो वन आर्म रोइंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप आराम से 20 से 25 केजी का डंबल उठा सकते हो, अगर आपको 4 से 5 महीने हो गए हैं तो। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डंबल नहीं है, 10 किलो के ही डंबल हैं, तो थोड़ा बहुत इनोवेट करेंगे, इसको अपन लोग 17.5 भी बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास 7.5 के भी जो डंबल है, ऐसे करके कुछ इस तरीके से हम इसे 17.5 का डंबल बना देते हैं। ये 10 के डंबल है नीचे और ऊपर इसके 7.5 का है, तो 17.5 का डंबल हो जाता है। और इसमें ये था
मुश्किल होता है। जब आप इस डंबल को ऐसे रखोगे ना तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है, जिससे एक्सरसाइज और मुश्किल हो जाती है। तुम्हारी अब नाम डंबल रोइंग भी हो चुकी है, अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है डंबल डेडलिफ्ट। इसके भी अपन लोग 4 से 5 सेट मारेंगे फेलियर के। देखो सारी चीज़ वही है, घूम फिर के आ जाते हैं। जब आप होम वर्कआउट करते हो ना तो आपके पास वेट्स इतने नहीं होते, मतलब 10 किलो के डंबल से समझ रहे हो कि डंबल डेडलिफ्ट में क्या ही मज़ा आएगा। क्योंकि जिम में जाते हो आप काफ़ी हद तक बहुत अच्छा वेट उठा लेते हो, क्योंकि जिम में वेट्स होते हैं ऑब्वियसली बात है। तो देखते हैं, ऐसा कुछ खास मज़ा नहीं आता, लेकिन लोअर बैक को भी ट्रेन करना ज़रूरी है, तो करेंगे इससे। तो मारेंगे इसके 4 सेट और करेंगे फेलियर तक की एक्सरसाइज। तो भाई अभी हम अपना वर्कआउट कर रहे थे चैन से, तभी हमारे मैनेजर का कॉल आ जाता है और उसको कुछ चाहिए इम्पोर्टेंट फाइल छुट्टी वाले दिन। यार यही चीज़ें ख़राब लगती है मेरे को ना, मेरे लोगों की एम्प्लॉय बेचारा छुट्टी पे, उसे छुट्टी का मज़ा लेने दो, नहीं लेकिन फ़ोन करके ज़रूर परेशान करना है। छुट्टी वाले दिन ही इसे याद आएगा कि क्या इसको इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए हमसे, ठीक है। तो मतलब चौथा सेट चल रहा था मेरा, हैमर गर्ल का ख़त्म ही हो गया था हैमर गर्ल। जैसे ही मेरे को अपना कॉन्सेंट्रेशन कर्ल करना था तभी हमारे मैनेजर का फ़ोन आ जाता है। तो भाई अब तो बॉडी ठंडी हो गई। चलो खैर फिर भी वर्कआउट तो करना ही है, अब हम करेंगे अपना कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। पहले अपने को मारने थे 4 सेट, अब हम मारेंगे 5 सेट। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारा सुपर फास्ट पोस्ट वर्कआउट मील। अच्छा मैं इसमें बता देता हूँ कि मैंने इसमें लिया क्या क्या है। तो इसके अंदर है हमारे 2 स्कूप ओट्स, 2 केले, 200 ग्राम मिल्क और 1 स्कूप वे प्रोटीन, ठीक है। तो इसके अंदर अब सारी चीज़ें हो गई है। इसमें आप ले लो पोटेशियम, ले लो फाइबर, ले लो कार्ब्स, ले लो हेल्दी फैट, ले लो और क्या कहते हैं प्रोटीन तो इसमें है ही। तो खाते हैं अपने इस हेल्दी पोस्ट वर्कआउट मील को और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और चीज़ है गाइस, अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो वीडियो में तो ज़रूर देना कमेंट करके, क्योंकि मैं अपने कंटेंट को वाकई में और इम्प्रूव करना चाहता हूँ। बाकी ऐसे ही और नई नई वीडियोज़ मैं अब आपके लिए लाता रहूँगा। काफ़ी टाइम बाद एक लंबी वीडियो आई है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। इस नए साल में बहुत सारे नए कंटेंट आने वाले हैं, बहुत सारी नई नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ और अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना चैनल पे, ताकि मोटिवेशन बनी रहे मेरे लिए भी। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।